नमस्कार दोस्तों, डाइट एंड फिटनेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम रेसिपी वापस से बनाने वाले हैं जो कि है मैंगो ओट्स वेट लॉस स्मूदी। जी हाँ, मैंगो यानी कि आम का सीज़न जब भी होता है तो आम के साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी ऐसी स्मूदी आप बना सकते हो जो कि वेट लॉस के लिए भी मदद करेगी। वैसे तो आम जैसे है वैसा पूरा अगर आप खाते हो तो इसका पोषण आपको मिल जाता है क्योंकि फाइबर कॉन्टेंट आता है, फिर फाइबर के साथ साथ विटामिन ए से भी ये भरपूर होता है, विटामिन सी की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आम जैसा है वैसे ही आपको खाना चाहिए। लेकिन कभी कभार आप वेट लॉस के लिए कोई मील जैसे हम बनाते हैं, कोई अलग पदार्थ बनाते हैं, वैसे आप मैंगो और ओट्स के साथ ये वेट लॉस स्मूदी बना सकते हो। क्योंकि क्या हो गया, फिर मैंगो का जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है वो भी उसमें आ गया, और ओट्स जो होते हैं उसका फाइबर है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी हमें मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान और बहुत ही हेल्दी ऐसी रेसिपी आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये मैंगो ओट्स वेट लॉस स्मूदी कैसे बनानी है। तो दोस्तों, हमारी मैंगो ओट्स वेट लॉस ब्रेकफास्ट स्मूदी के लिए हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। आप देख सकते हो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही आसानी से ये स्मूदी बन जाती है। सबसे पहले तो ओट्स यहाँ पे हमने लिए हैं, लगभग 2 से 3 चम्मच यानी कि टीस्पून ओट्स लेने हैं आपको। और ये मैंने थोड़ी समय भिगो के रखे थे पानी में, पानी में या फिर दूध में भी आप भिगो के रख सकते हो, मैंने यहाँ पे पानी में भिगोए थे। तो ये ओट्स हमने लिए हैं, ओट्स हम डाल लेंगे एक ब्लेंडर। उसके बाद मैंगो यानी कि आम हमने लिया है, एक मीडियम साइज का आम जो होता है उसे अच्छे से ऐसे डाइस करके छोटे छोटे टुकड़े करके हमने लिया है, ये भी डाल देंगे हम हमारे ब्लेंडर में। यहाँ पे हमने चिया के सीड्स लिए हैं, ये भी मैंने पानी में भिगो के रखे थे थोड़े समय तक, तो आप देख सकते हो वैसे थोड़े से फूल गए हैं। चिया के बीज या फिर सब्जा के बीज भी आप ले सकते हो, 1 चम्मच आपको लेने हैं पानी में भिगो के, ये भी हम इसमें डाल देंगे। चिया के बीज में भी फाइबर की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है तो वेट लॉस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। एक खजूर हमने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा स्वीटनेस, थोड़ा सा मीठापन देने के लिए, लेकिन आम का मीठापन होता है वैसे भी तो वो भी सफिशेंट हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा हमने खजूर डाला है क्योंकि खजूर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। और हमने यहाँ पे दूध लिया है, लगभग 1 से 1.5 कप आपको दूध लेना है। दूध तो जैसे कि आपको पता है कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है, दूध काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे पाचन के लिए भी मदद करता है और एसिडिटी भी कम करता है, तो शरीर को ठंडक देने के लिए भी मदद करता है। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी मैंगो ओट्स ब्रेकफास्ट स्मूदी हो चुकी है बिल्कुल रेडी, और फाइबर से ये भरपूर है तो वेट लॉस के लिए आपको काफ़ी मदद करेगी, और साथ ही साथ इसमें कई सारे विटामिन, कई सारे मिनरल्स भी हैं, तो आपको दिन भर ये तरोताज़ा भी रखेगी, काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको एनर्जी भी देंगी। थोड़ा सा मैंगो के पीसेस से हम इसे डेकोरेट करेंगे, बच्चों से लेके बड़ों तक सबको ये स्मूदी बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है, बहुत टेस्टी भी लगती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए भी ये स्मूदी काफ़ी अच्छी रहती है। तो हमारी स्मूदी तो बिल्कुल रेडी है, पाचन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, ये एनर्जी आपको अच्छी मात्रा में देती है और आपको वेट लॉस के लिए भी ये स्मूदी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करें।